केंद्रीय सरकार यातायात नियमों में उल्लंघन के सहित और कुछ भी डिपार्टमेंट भी है जहां पर कि एक जो फाइन होती है, बड़ा जुर्माना होता है, उनसे बचने के लिए एक जो है माफीनामा का एक विकल्प जो है पब्लिक के लिए तैयार कर रही है। तो क्या है ये माफीनामे का विकल्प और क्या है केंद्र सरकार की ये घोषणा, क्या है पूरी चीज, बने रहिए वीडियो में, बताती हूँ। अंतरिम बजट में अब जो केंद्र सरकार है वह यह घोषणा कर सकती है कि अगर पहली गलती है तो वहां पर जुर्माना नहीं लगेगा, वहां पर माफी मिल सकती है और वह माफी जो है माफीनामा के द्वारा मिलेगी। और इसमें क्या क्या ऐड है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, वह भी आपको जानना जरूरी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, बहुत ही अच्छी न्यूज है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इस तरह के जो विकल्प है, इस तरह की जो चीजें हैं, वह जरूरी क्यों है, क्यों लाया जा रहा है। तो होता क्या है कि लोगों में, पब्लिक में कानून के पालन के लिए उनके जो है उनको अपना उत्तरदायित्व समझ आए, उनको उनका उत्तरदायित्व दिखाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें जगाने के लिए इस तरह के कदम जो है केंद्रीय सरकार अंतरिम बजट घोषणा के तहत यहाँ पर कर रही है। एक चीज़ बड़ी मेंशन की गई है कि फर्स्ट टाइम गलती करने पर ही जो है यह चीज़ इफेक्टिव रहेगी, प्रभावी रहेगी। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अगर कभी इस तरह से कुछ ट्रैफिक रूल्स होते हैं, वहाँ पर अगर उल्लंघन होता है तो वहाँ पर अगर किसी का फर्स्ट टाइम अगर उसने ये कर दिया है तो वहाँ पर उसको जो है एक तरफा दोषी ठहरा दिया जाता है, एक अच्छा भला फाइन जो है उनसे ले लिया जाता है। उस वक्त जो है उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है, या तो फिर उनको जुर्माना पे करना होता है, या तो फिर अगर उनको लगता है कि नहीं उनको कोर्ट जाना है तो वो कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं। तो जुर्माना और कोर्ट का रास्ता, दो ही ऑप्शन उनके पास में रहते हैं और यह जो चीज़ है बहुत ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह आपके ट्रैफिक रूल्स में भी आपको मदद नहीं करती है। आपको लगता है कि आपने चलो फाइन दे दिया है, या तो आपने केस जीत लिया है या हार लिया है, यहाँ तक वो चीज़ जो है सीमित रह जाती है। लेकिन अभी जो है इसका एक विकल्प है, यह विकल्प है माफीनामा। इसको हम किस तरह से यहाँ पे परिभाषित करेंगे, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? तो इसका एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पर इस तरह से निर्देश जो है दिए जाएंगे, जारी किए जाएंगे, जहाँ पर कि जो रिलेटेड कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, और भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं ट्रैफिक्स के अलावा भी, अलग डिपार्टमेंट्स में भी यहाँ पे ये लागू हो रहा है, उनको ये निर्देश दिए जाएंगे कि अगर इस तरह से कुछ गलती होती है, जो फर्स्ट टाइम गलती होती है, वहाँ पर आप जो है फाइन लेने से पहले जो है इस तरह के माफीनामा विकल्प जो है अगले को देंगे, ताकि वह जो माफीनामा विकल्प है उस पर जो है सबमिशन उनका करेंगे। बिल पेमेंट में, या तो फिर इंस्टॉलमेंट की जो चुकाने में, या तो फिर जो इनकम टैक्स की जो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न का जो डेट होती है वह मिस हो जाती है, ट्रैफिक रूल्स में यहाँ पे इसमें ऐड हो रहे हैं, इस तरह से कई सारे डिपार्टमेंट है जिनको कि यहाँ पर आगे ऐड किया जाएगा। तो इस तरह से यह एक जो योजना है, या तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो स्कीम है केंद्र सरकार के द्वारा अंतरिम बजट घोषणा के तहत लाई जाएगी। तो यह जो चीज़ है आपको कैसी लगी है, आपको माफीनामे का ये जो विकल्प है, टैक्स ट्रैफिक का जो ये विकल्प है, कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।